आज की इस वीडियो में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वायर एंड केबल मतलब वायर और केबल में क्या अंतर होता है डिफरेंस बिटवीन वायर एंड केबल वायर और केबल क्या अंतर होता है इन दोनों में हम इस चीज़ को जानेंगे देखिए तार और केबल को कुछ लोग एक ही समझते हैं पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तार अलग चीज़ है या वायर अलग चीज़ है और केबल अलग चीज है दोनों अलग अलग चीजें हैं दोनों का कोई संबंध नहीं है तार और केबल दोनों का ही प्रयोग विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाने के लिए करते हैं मान लीजिए तार है विद्युत धारा है जो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको यहां से लेकर ले ले के ए स्थान से लेकर के बी स्थान तक लेके जाने के लिए हम तार का भी उपयोग करते हैं और केबल का भी उपयोग करते हैं जिस चालक पर किसी भी प्रकार का कोई भी इंसुलेशन ना हो इस पर इंसुलेशन ना हो और इसका जो डायामीटर हो डायामीटर मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया हो वह एक समान हो इस पर कोई इंसुलेशन ना हो और उसका जो डायामीटर हो क्रॉस सेक्शन एरिया वह एक समान हो जैसे कि यह है हमारा देखिए इसका जो इस पर इंसुलेशन किसी भी प्रकार का नहीं है कोई भी इंसुलेशन नहीं है या सिंप, सिंपल एक मेटल दिख रहा है आपको और इसका जो डायामीटर है मतलब हर जगह पर चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर हर जगह पर जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है डायामीटर है वह एक समान है तो इसको हम तार बोलेंगे ठीक है तार की यह परिभाषा हो गई मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होना चाहिए हर जगह पर ऐसा नहीं यहाँ पर मोटा हो यहाँ पे पतला हो ठीक है यहाँ पर और थोड़ा पतला हो मोटा हो ऐसा कुछ नहीं है सिंपल एक ही तरह का क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए मोटाई जो इसकी है यह जो मोटाई है वह एक जैसी होनी चाहिए हर जगह पर और इसके ऊपर किसी भी प्रकार का पीवीसी या किसी भी प्रकार का आप इसके ऊपर एक पन्नी भी चढ़ा देंगे ना तो वो अभी केबल हो जाएगी जैसे एच लाइन जो हम लेके जाते हैं एच हुई ई एच हुई मतलब हाई टेंशन और एक्स्ट्रा हाई टेंशन की जो लाइन जाती है उसमें जो कंडक्टर का उपयोग करते हैं उस कंडक्टर के ऊपर किसी भी प्रकार का इंसुलेशन नहीं होता है वह सिंपल इसी तरह से तार होता है अब आइए केबल के बारे में जान लेते हैं कि जिस चालक पर इंसुलेशन होगा कोई चालक है इसके ऊपर इंसुलेशन होगा वह केबल कहलाएगी इसमें भी सेम वही चीज़ है कि जो उसका जो डायमीटर है वो सेम होना चाहिए जैसे कि ये हमारा केबल है क्योंकि इसके ऊपर पीवीसी चढ़ी हुई है इसके ऊपर एक इंसुलेशन है तो यह केबल की केबल हो गया और इसके ऊपर इंसुलेशन नहीं है तो यह एक वायर हो गया घरों की वायरिंग में हम केबल का उपयोग करते हैं जैसे कि घरों की वायरिंग में इस तरह से हम फ्लेक्सिबल केबल का उपयोग करते हैं जिसमें बहुत सारे तार होते हैं इस तरह से वह केबल उसको हम केबल बोलते हैं जो घरों की वायरिंग में या कहीं पर भी जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो भी हम कंडक्टर का यूज़ करते हैं वह केबल ही होती है बहुत सारी केबलें ऐसी होती हैं जिन पर सिंपल एक ही इंसुलेशन होता है देखिए जैसा यही इंसुलेशन पीवीसी चढ़ी हुई है इस पर केवल एक इंसुलेशन होता है ठीक है और बहुत सारी केबलें ऐसी होती हैं जिनमें एक इंसुलेशन है इसके ऊपर भी एक इंसुलेशन चढ़ा दिया जाता है ठीक है तो वह इंसुलेशन इसलिए चढ़ाया जाता है कि उसकी जो सेफ्टी है वह बढ़ा दिया जाए कैसे वातावरण से भी इसकी सेफ्टी बढ़ा दिया जाए और जैसे कि वातावरण में हमारा धूप है पानी है इन चीज़ों से उसकी सेफ्टी बढ़ा दी है जो उससे जो आरमर्ड केबलें वगैरह होती हैं उनके ऊपर भी आ, दो मतलब क्योंकि उसके अंदर भी जो केबल होती है उसके ऊपर पीवीसी होता है और उसके ऊपर आरवर्ड होता है उसके ऊपर एक पीवीसी और होती है और उससे फ़ायदा ये भी होता है कि जो इन जब इन कंडक्टरों में इन चालकों में जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वह इंड्यूस होती है तो वह मैग्नेटिक फील्ड बाहर ना निकल के आए ठीक है इसलिए भी डबल इंसुलेशन चढ़ाया जाता है जिस केबल पर जितना ही ज़्यादा इंसुलेशन होगा जितनी ज़्यादा इंसुलेशन की परतें होंगी वह केबल उतनी ही ज़्यादा सेफ़ होगी और सुरक्षित होगी तो मुझे उम्मीद है कि आपको केबल और वायर में अंतर समझ में आ गया होगा किसी भी प्रकार का इंसुलेशन होगा तो वह केबल हो जाएगी और जिस पर कोई भी इंसुलेशन नहीं होगा वो वायर होगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और हो सके तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा तो मिलता है एक नए वीडियो के साथ नमस्कार दोस्तों